हाय एवरीवन नमस्ते सतरेकाल केम छो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम जय हिंद सो मैं हूं वैशाली आपकी करंट अफेयर्स मेंटोर एक बार फटाफट से धुआंधार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे इज अ वेरी गुड डे एज डांसिंग एंड डांसिंग एंड डांसिंग इज गोइंग ऑन टुडे गुड मॉर्निंग एवरीवन करीजस आर्या गुड मॉर्निंग सपना कृष्णा राज मोहम्मद शहजादे ओके रोशन सिंह अंकित सुशांत शैलजा सिंह नीलम सिंह तनीषा सेठ गृह शिवाय पांडे गुड मॉर्निंग एवरी वन बेटा गुड मॉर्निंग गृह शिवाय पांडे का नाम तो याद हो गया है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गौतम गुप्ता गुड मॉर्निंग बेटा सिंह अंजलि गुड मॉर्निंग एवरी वन एक बार फटाफट फड़ से सेशन को शेयर कर दो एक बार फटाफट से गाइड्स गाइड्स सेशन को शेयर कर दीजिए त निशा बेटा गुड मॉर्निंग हम्म hmm. चलो सो so, मैंने भी सेशन को शेयर कर दिया है और आप भी फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए गुड मॉर्निंग सौम्या सिंह एनडी जैसी आए भाई अमेजोन के सी ओ एन डी जैसी आ चुके हमारे सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा वट इज दिस वट इज दिस वट इज दिस क्या है ये क्या है ये हाँ सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आंख नाक मुंह कान पैर सब कुछ खोल के बैठ जाओ फोकस करेंगे आज की क्लास को और आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है वीकली करंट अफेयर्स का दो बातें यहाँ से हमको निकल के आती हैं पहली चीज़ कि हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को दूसरी चीज़ कि हमने जो नहीं पढ़ा है वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ठीक है चलिए सो so, ये क्या है uh, ये है थाट ऑफ द डे थाट ऑफ द डे है कि जस्ट रिलैक्स आई नो कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं और आप उस सत... आप, आपने वो तैयारी स्टार्ट भी कर दिया दी आपने वो तैयारी स्टार्ट कर दी है और यू आर इन द मिडल ऑफ़ द प्रिपरेशन और आप बहुत ज़्यादा टेंसड हो क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जो टाइम टेबल बना पाते हैं वो नहीं फॉलो कर पाते हम जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं हम uh, वो आउटपुट नहीं दे पा रहे जो रिक्वायर्ड है हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी हमारे फ्रेंड्स नाराज़ हो जाते हैं तो उनको मनाने में लग जाता है कभी माँ बाप नाराज जाते हैं उनको मनाने में लग जाता है कभी कोई कुछ भी uh, मतलब ये फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई हेम्पर कर रही होती है सो आई वुड से जस्ट रिलैक्स चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं वॉट यू नीड टू डू डू इज जितना कर सकते हो उतना करो है ना वो कहते हैं ना स्टार्ट वेयर यू आर यूज वॉट यू हैव एंड डू वट यू कैन गॉड इज सींग एवरीथिंग ही डेफिनेटली गिव द रिजल्ट बिल्कुल गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग विदेरी मॉर्निंग आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे चलिए आर यू ऑल रेडी आर यू ऑल रेडी विद दिसम से ये आर रेडी फॉर दीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का फॉर्मैट रहता है जैसे कि आप सभी को पता है ठीक है ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का फॉर्मैट रहता है और आपको पता है डेली करंट अफेयर्स कितने बजे से होती है आठ बजे से होती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बट आज क्या है आज आपका सैटरडे है सो so, सैटरडे को क्या होती है वीकली करंट अफेयर्स होती है कितने बजे होती है आठ बजे तो हम वीकली करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से प्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर टेक्सटाइल लेदर फर्नीचर ज्वेलरी एंड मशीनरी रिसेंटली हाल ही में भारत और किस देश के बीच कपड़ा चमड़ा फर्नीचर आभूषण और मशीनरी के लिए मुक्त व्यापार समझौता एफ टी ए को मंजूरी दी गई है पहली चीज़ आई वुड तो लाइक टू टेल कल मुझे ना बहुत बुरा लगा इस चीज़ पर बुरा क्या लगा मुझे बहुत दया आई उस बच्चे पर मैं बताती हूँ क्या लिखा था उसने एक बार यू नो बताने से पहले एक बार फटाफट से, से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा ठीक है लाइक ज़रूर कर देना सेशन को जिससे रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़ सके उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके ठीक है एक बच्चे ने लिखा था मैं बताती हूँ क्या लिखा था शिवम चंद्रा वाइटी अगर वो आए हैं सेशन में तो शिवम चंद्रा वाइटी मोनिका कुमारी वे, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग बिल्कुल शुभम चंद्रा वाइटी ने लिखा था मैम बोर्ड पर जो ऑप्शन सही रहते हैं पर आप कई बार गलत बोल देती हो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑप्शंस जो बोर्ड पर आते हैं उसे देखकर बोलो ताकि स्टूडेंट्स गुमराह ना हो क्योंकि हम एस्पायरेंट्स हैं आप टीचर्स पर निर्भर करते हैं एक चीज़ और मैम कभी कभी बोर्ड पर आंसर गलत लिखे जाते हैं जैसे कि चिराग शेट्टी सात्विक सात्विक शेट्टी ये आंसर आपने पहले बताया था लेकिन उसके बाद कुछ और बताया ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम प्लीज़ थोड़ा एक बार ऑप्शंस को चेक कर लिया करिए ऋषभ पंत होगा मैम जी एक बार आंसर्स बताने से पहले चेक कर लिया करिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर है इस करेंट अफेयर्स और जी में फिर लिखा है ब्रांड अम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड ऋषभ पंत होगा मैम प्रसून जोशी बताई है लेकिन पिछले बार ने सही आंसर दिया था ब्रांड अम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड ऋषभ पंत होगा मैम अच्छा ब्रांड अम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड क्या होगा ब्रांड अम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड आप सभी बताइए हु इज़ ब्रांड अम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड हु इज़ ब्रांड अम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड क्या ऋषभ पंत होगा Brand ambassador of Uttarakhand according to Shivam. Hoga Rishapant. Let's see the Google Baba. FinancialExpress.com. Dekho, beta. See, Prasun Joshi named as brand ambassador of Uttarakhand. He is Prasun Joshi. ठीक है। तनिषा सेठ बोल रही है ऋषभ पंत चार दिन पहले एक करंट अफेयर्स की न्यूज आई है उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज नेम्ड प्रसून जोशी द सीईओ एंड सीसीओ ऑफ मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया द स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर जोशी अ नेटिव ऑफ उत्तराखंड इज अ प्रोमिनेंट एंड हाईली अवॉर्डेड मेंबर ऑफ द इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया फ्रटानिटी सो so, ये न्यूज है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर ये न्यूज आई है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर की ठीक है और यहां पर बताया गया है प्रसून जोशी नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड पता है और इसकी लैंग्वेज देखो कैसे लिख रहा है मैम बच्चों को गुमराह मत किया करो मैम आंसर सही से बताया करो और आ, ठीक है तो देखो पता है सुनो मेरी बात क्या होता है ना कि आ, देखो ये सारी चीज़ें फ्री जा रही हैं यूट्यूब पर ठीक है और आई एम गिविंग आई एम गिविंग माई हंड्रेड परसेंट नो वन इज परफेक्ट राइट नो वन इज परफेक्ट कोई भी परफेक्ट नहीं होता और आई एम गिविंग माई हंड्रेड परसेंट राइट और uh, क्या होता है कि सुबह सुबह मेरा जो सेशन होता है वो आप सभी को पता है सुबह सात बजे आठ बजे होता है है ना और और इस समय इतनी ठंड पड़ रही है टू ऑफिस एंड टीचिंग यू ऑल एंड आई हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद यू ऑल ठीक है बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है बट कई चीजों को कहने का एक तरीका होता है ठीक है पर से अगर आपको uh, मतलब चीजें गलत लिखती हैं आपको चीजें गलत लगती हैं फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा कि ब्रांड अम्बेसडर ऋषभ पंत बनाए हैं ठीक है कोई बात नहीं बेटा कन्फ्यूजन तो सबको होता है ना आपको भी है कन्फ्यूजन तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर हूँ क्लियर करने के लिए है ना जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड का ब्रांड अम्बेसडर मैम ये ऋषभ पंत होगा प्रसून जोशी नहीं होगा आप गलत बता रही हैं बच्चों को गुमराह कर रही हैं और ये ये हो जाता है वो हो जाता है तो ये क्या कोई तरीका है बोलने का टीचर से ज दिस दी वे ऑफ टॉकिंग है ना आप टीचर्स के एफर्ट्स को भी देखो ठीक है और मैंने ठीक है अगर आप बोल देते, मैं एक बार आप प्लीज, आ, आ, आप एक बार प्लीज चेक कर लेना कि उत्तराखंड के उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर कौन होंगे और मतलब मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको आके बहुत ही प्यार से अच्छे से करती मुझे ये कॉमेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़ती बट आई फील की जब इस तरीके के कॉमेंट्स आते हैं है ना हार्श कमेंट्स रूड कमेंट्स है ना और uh, ये गुमराह गुमराह तो यार देखो गुमराह नहीं कर रही हूं अगर गुमराह करनी कर रही होती ना तो ये ना ही कमेंट्स कमेंट पढ़ती और ना ही आपको ये दिखाती कि बेटा ये देखो ये देखो ये हैं यू नो यहाँ के ब्रांड अम्बेसडर उत्तराखंड के ठीक है ठीक है कभी कभी ए, ए, एक आधो क्वेश्चन में देखो हो जाता है देखने में सबको गलती हो जाती है आपको भी कभी अभी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म खड़े हो गए ना आपके कौम, आप कमेंट्स भी देख रहे हो आपको बोर्ड भी देखना है आपको बच्चों से भी इंटरक्ट करना है है ना तो वो कभी कभी एक दो क्वेश्चन में हो सकता है यू नो ऊपर नीचे हो हो जाता हो। बाकी इज करेक्ट सब तरीके से यहाँ पर मैं आपको यू नो you know, आपको यहाँ पे बताती हूँ राइट रिसर्च तरीके से करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है डेली चेंज हो रहा है राइट आप समझो इस बात को कॉइन्स एक ऐसा सेक्शन है कॉइंट आप पढ़ लिए मैथ्स आपको पता है कि ये हो रहा है ठीक है चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार क्वेश्चन को करवाया जा रहा है ठीक है आपकी रीजनिंग में भी वही है कि एक एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए आप आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में भी यही है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ठीक है उसके बाद बाकी जो डोमेन्स के सब्जेक्ट्स हैं वो भी यही हाल है उसी में लेकिन आपका जो जीके करंट अफेयर्स है वो डेली चेंज हो रहा है ठीक है वो डेली चेंज हो रहा है इसी वजह से मैं बहुत ही एकदम सोच समझ के दिमाग खोल के ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन और जो भी एनालिसिस होती है वो करवाते हैं एकाध दो बार अगर एक दो बार अगर, अगर ऐसा हो जाए इन केस वैसा होता नहीं है लेकिन अगर हो जाए सो इग्नोर इट और मैं आपको ऐसा नहीं है मैं आपको मैं आपको यहाँ पर जो बताती हूँ बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही रिसर्च तरीके से बताती हूँ बेटा इस तरीके के कॉमेंट्स आई विल नेवर टॉलरेट राइट इस तरीके के कॉमेंट्स आई विल नेवर टॉलरेट है ना और रही बात आ, कहने का बेटा तरीका होता है आपकी पढ़ाई लिखाई जो आपके संस्कार है वो इसमें आपको आपके नजर आते हैं ठीक है डोंट बी हार्श आई कैन ऑल्सो बी हार्श बट आई एम नेवर आई एम बी हमल राइट पहली बात तो आपने गलत बताया कमेंट में कि बेटा मैम ये जो उत, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ये होंगे है ना उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर आपके ऋषभ पंत होंगे तो आ, ये क्या बोलते हैं प्रसून जोशी नहीं होंगे पहली बात तो आपने गलत बताया ठीक है दूसरी चीज आप हार्श कमेंट गुमराह कर रहे हो आप बाकी बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो गी? ये इस चीज को बोल के है ना बेटा ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर को न्यूज आई थी कि प्र, प्रसून जोशी नेम्ड एज दी ब्रांड अम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड तो किसी भी इंसान को बोलने से पहले सौ बार खुद सोचो कि क्या बोल रहे हो बोल रहे हो जो बोल रहे हो सही है कि नहीं है ना देन स्पीक है ना बिल्कुल टारगेट यूपीएससी आपको पंद्रह मिनट वेस्ट लग रहा है तो आप प्लीज यू कैन गो फ्रॉम सेशन आई डोंट केयर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा बघाईस बताइए इसका आंसर क्या होगा यो आंसर ह्यो यो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया योर आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी ब्रांड अम्बेसडर ऑफ मेन्स ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अंबेसिडर का ब्रांड अम्बेसडर सी पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अरबन गबरू का ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, अब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे क्लास पर एक दूसरे को आप कुछ भी मत बोलिए थोड़ा सा फोकस करते हैं ठीक है अब हम सब सारे लोग सब लोग पढ़ेंगे टारगेट यूपीएससी बेटा शांति से पढ़ाई करो और सब लोग सब लोग आप शांति से पढ़ाई करेंगे बताइए इसका आंसर क्या होगा इंपॉर्टेंट यू नो सेशन है ये योर आंसर यो विल बी वो योर आंसर यो विल बी सूर्य कुमार यादव वेरी गुड सूर्य कुमार यादव इज द

हां जी बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया बच्चे कौन वाला क्वेश्चन ये वाला सीईओ सीईओ किसे नियुक्त किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, का। बताइए वेरी गुड यार मतलब तुम लोग आंसर दे रहे हो बहुत खुशी हो रही है देख के आंसर यहो विल बी विनीत कुमार वेरी गुड विनीत कुमार को यहाँ पे क्या बनाया गया है CEO बनाया गया किसका KVIC का ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Which company has been awarded Partner of the Year 2022 by Procter and Gamble in चिंचिलेथी uh, USA for their contribution in transforming their business uh, processes सिंसनाटी यूएसए में प्रॉक्टर एंड ग्लोबल द्वारा अपनी व्यवसायिक प्र... तो हिंदी में थोड़ा सा गलत दिखता है प्रतिक्रियाओं को बदलने में उनके योगदान के लिए किस कंपनी को पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है गूगल <coughs> ट्रांसलेट भी कभी कभी <laughs> ये इंग्लिश वाले को देके थोड़ा सा वो कर देता है बताओ इसका आंसर क्या होगा मैंने आपको बताया ये ये सब

आज सैटरडे आ गया कल संडे फिर मंडे दिसंबर आ चुका है अब उसके बाद जनवरी आएगा पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दो इस बार एकदम एग्जाम को फोड़ना है ठीक है बिल्कुल Who has been honoured with Economics Times Inspiring Leaders Award 2022 in Delhi? Tell guys. Your answer here will be D. एपी श्रेष्ठ हाँ योर आंसर विल बी डी दट इज एपी श्रेष्ठ क्वेश्चन देखते हैं विच कंपनीशन कैटेगरी किस कंपनी को संचार श्रेणी के सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड की प्राप्तकर्ता नामित किया गया है आप लोगों का मोटिवेशन ही काफी है हम लोगों को पढ़ने में ऑल इज वेल नीलम वेरी गुड टारगेट यूपीएससी बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा राज तारिक मसूद सिंह अंजलि आशुतोष सौम्या अर्शी रोहित नायरा ओके आलिया आलिया भट्ट कुमार कुणाल वर्मा ब्लॉक्स आंसर यो विल बी दैट इज प्रोडक्ट वेरी गुड प्रोडाप्टज द राइट आंसर तो प्रोडाप्टे बेटा ये कंपनी है जिसको नामित किया गया है एज ए सेल्स फॉर पार्टनर इनोवेशन अवार्ड इन कम्युनिकेशन कैटेगरी क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हैज बीन कॉन्फर्ड विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है यार मुझे लाइक बहुत कम दिख रहे हैं डबल लाइक डबल पीपल आर वॉचिंग फ्रॉम दी लाइक एंड लाइक इज वेरी लव एक बार लाइव फटाफट से कर दो सेशन को जो बनेगी आलिया उसे मिलेगा कालिया मिस्टर आर के रवि यार ये सब क्या है मतलब क्यों क्यों तुम मेरी आलिया को परेशान कर रहे हो मैम क्लास के बाद व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा आपके लिए सरप्राइज है अच्छा आदित्य ऐसा क्या चलिए आंसर यहां पर क्या होगा बेटा यो आंसर यो विल बी रवि कुमार सागर रवि कुमार सागर क्लियर बात है वेरी गुड हु हैज बीन कॉन्फर्ट विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर कल एक बच्चा कह रहे हैं मैम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एपीजे अब्दुल कलाम में क्या अंतर है मैंने कहा hmm. जो वैशाली पांडे और जो वैशाली पांडे मैम में अंतर है वही होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एपीजे अब्दुल कलाम में अंतर है ना चलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा योर आंसर या विल बी सी दैट इज मनिका बत्रा गाइस सो मनिका बत्रा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ब्रोन्स मेडल एट आई आई एशियन कप टूर्नामेंट इन बैंकॉक थाईलैंड हाँ मिस्टर आर के रवि कह रहे हैं दूध जो दूध और मिल्क में डिफरेंस है वही डॉक्टर ए अब्दुल कलाम और ए अब्दुल कलाम में अंतर है चलो नेक्स्ट उंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ए आई सी टी ई बताइए इसका आंसर क्या होगा निम्नलिखित किस, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ए आई सी टी ई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बताओ आंसर क्या होगा इसका बताइए mm, इस बताओ इसका आंसर क्या होगा ये सब पहले कब पढ़ाए थे मैम सब ऊपर ऊपर से जा रहा है डेली करंट अफेयर्स में आंसर विल बी बी टीजी सीताराम ठीक है टी जी सीताराम क्लियर चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये सब बेटा डेली करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स में सेशन में नहीं आओगे ना ऐसे ही चले आओगे सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स में फिर दिक्कत है तो डेली करंट अफेयर्स सेशन देखो मजा आएगा यार तुमको डेली करंट अफेयर्स सेशन में उसके बाद सैटरडे को जो वीकली करंट अफेयर्स होता है ना उसमें तुम अपने आप को एनालाइज करते हो कितना मुझे आ रहा है जितना मैंने रिवाइज किया है प्लस अगर इन केस कोई क्लास बेटा छूट जाती है तो एम के जरिए आपका वो भी करंट अफेयर्स का पूरा हो जाता है ठीक है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है ऑल इज वेल ऑल इज वेल सेशन में रोज जाओगे तभी पता चलेगा आंसर आंसर विल बी ई दैट इज़ इज़ पूर्णिमा पूर्णिमा देवी देवी बर्मन देवी बर्मन राइट डेली करंट अफेयर्स कितने बजे पढ़ाते हैं आठ बजे एट ए एम एट ए एम आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है सुबह आठ बजे मंडे टू सैटरडे आपको आ जाना है आठ बजे सुबह यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बताओ विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अमलान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम रिसेंटली बताओ मोनिका कुमारी लेके आऊँगी बेटा ट्रिक ट्रिक से भी याद नहीं होगा वैसे पता है बताओ इसका आंसर द द ओनली वे टू लर्न इज वॉट वे टू लर्न इज रिविजन रिविजन एंड रिविजन ठीक है बिल्कुल तो इसीलिए आप रिवाइज करिएगा बाकी आप टेंशन मत लो किसी चीज की बताओ आंसर विल बी सी दैट इज ओडिशा आंसर विल बी सी ओडिशा ये मैंने आपको पढ़ाया था आंसर क्या होगा गाइस आंसर होगा बेटा सी आंसर होगा सी दैट इज ओडिशा ओडिशा के सीएम कौन है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ठीक चलिए आगे बात करते हैं विच ऑफ दी अच्छा एक चीज़ और हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ये अभी न्यूली अपॉइंटेड है ठीक है इनका नाम है एकनाथ शिंदे श्री एकनाथ नाथ शिंदे ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ठीक है एक नाथ शिंदे नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग सिटी विल होज फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग इन दिल्ली फ्रॉम फोर्थ फोर्थ टू सेवेंथ ऑफ दिसंबर तो ये आप लोग एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर चार से सात दिसंबर तक पह, भारत में पहली जी ट्वेंटी शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा बताओ तो जरा क्या होगा इसका आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग बताओ योर आंसर बी ई दैट इज उदयपुर आंसर विल बी उदयपुर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड टू दी हैज बीन अपॉइंटेड टू दी दुंगरिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सी डी यू पार्टी प्रेसिडियम इन जर्मनी बताइए सो जर्मनी में ई होगा हाँ सही तो है बताइए इसका आंसर क्या होगा किसको अपॉइंट किया गया है सीडीयू पार्टी प्रेसिडियम इन जर्मनी

your answer here your answer here will be b that is v annamalai v annamalai is the right answer theek hai chalo next question international day of solidarity with the palestinian people is observed every year on which day palestinian people uh, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है बताओ किस दिन मनाया जाता है ये सारी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है ठीक है बताइए इसका आंसर यहां पर ई होगा दैट इज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नई चेतना जेंडर कैंपेन वाज लॉन्च्ड अंडर विच ऑफ दी फॉलोइंग स्कीम नई चेतना जेंडर अभियान निम्नलिखित में से किस योजना के तहत शुरू किया गया है बताओ नई चेतना जेंडर अभियान निम्नलिखित में से किस योजना के तहत शुरू किया गया वट विल बी दी राइट आंसर गाइस मोनिका हाँ सोनू आयुष फैन ऑफ वैशाली मैम कार्डेड आदित्य आदिकंशा राज आदर्श अनु आयुषी तारिक शहजादे आदित्य यार मुझे बहुत तुम इस सेशन में जरूर आया करो ठीक है आशुतोष रोशन आरती नीलम गृह शिवाय राज ऑल इज वेल नायरा वेरी गुड एक बार ना मैं बच्चों के नाम पढ़ना चाहती हूँ जो सेशन में अभी जुड़े हुए हैं थोड़ा एट मिनट वेट करना हमारे कौन कौन से बच्चे हैं जो जुड़े हैं आशुतोष कुमार आदर्श आकांक्षा सिंह आलिया ऑल इज़ वेल well. आनंद सिंह अनु अर्शी इफ्तार देन अबूजर अहमद देन आशीष रंजन ऑटोबायोग्राफी आयुषी देन करेजियस देन uh, uh, कैडिट आदित्य गौतम गुप्ता ग्रह शिवाय पांडे कुणाल लवकुश कुमार देन मोहम्मद शहजादे मोनिका थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं बच्चे अगर किसी का नाम छूट गया हो तो बता देना ठीक है आयुषी पटीदार फिर यहाँ पे हमारी हैं मोहम्मद मोहम्मद शहजादे मोनिका नायरा नीलम निशा नोबिता पलक राज रोशन रोशन रोहित रोहित कुमार गुप्ता शहजादे शैलजा राइट शैलजा शिवम सृष्टि सिंह अंजलि सौम्या सोनू सनी सूरज तारिक वंशिका विशाल देन विशाल विशाल राज यश राजकुमार युवराज तो इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एटी वन स्टूडेंट्स हाँ हेलो आ, सूरज प्रजापति बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा यो आंसर विल बी ए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसे हम एन आर एल एम के नाम से भी जानते हैं एन आर एल एम क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

ठीक है तो ये आपके एग्जाम में आया था कि किस चीज के लिए यूज किया जाता है तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है क्लियर बात है सिक्योरिटी 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 एस फॉर तो ये uh, के लिए बेसिकली सेबी एक तरीके का मार्केट रेगुलेटर है ठीक है हाँ बिल्कुल जो मार्केट को रेगुलेट करता है इसका आंसर होगा डी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्लियर तो यहाँ पे सेबी ने रिसेंटली यूनिफॉर्म फॉर्मेट को क्या किया है ओ ट्रेड्स के लिए यहाँ पर रिलीज किया है तो न्यू गाइडलाइन जो है कब तक uh, फोर्स में आएगी कब तक इंप्लीमेंट होगी फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 नेक्स्ट हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट करीज आर्या हाँ जी बताओ इसका आंसर बेटा क्या होगा uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई ओ ए दैट इज इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि हु इज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हु इज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो कर्णमलेश्वरी ठीक है वैसे ही ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा हाँ इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा इसका आंसर होगा सी दैट इज पीटी टी ऊषा है ना जब भी हम दौड़ते हैं तो हमें लोग कहते हैं ना कि नहीं तुम पीटी उषा जैसे दौड़ो पीटी उषा जैसे है ना तो वही पीटी उषा ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग फिल्म वन गोल्ड गोल्डन पिकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ फिल्मी थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फिफ्टी थ्रीवे संस्करण को आ, की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक जीता है बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा किसने जीता है मारी छोरी छोरों से कम नहीं है हाँ बिल्कुल कम तो बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा भी है ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है है ना कि ज्यादा है मारी छोरी छोरों से ज्यादा है छोरी छोरा देखो ये हम क्या करते? देखो मेरा तो मानना है हमारे लिए लड़के और लड़कियां सब बराबर को कोई ज्यादा कोई कम नहीं सब एकदम इक्वल हैं और सब एकदम रेस में हैं सब बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में और सबको बढ़िया करना चाहिए चाहे हमारे छोरे हो और चाहे हमारी छोरियां हो दोनों को एकदम बढ़िया करना चाहिए लाइफ में ठीक है ना हमारे छोरे कम है ना हमारी छोरियां कम है दोनों एकदम इक्वली दे आर ऑल इंपॉर्टेंट है ना बिल्कुल आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स आशुतोष कह रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड आई विश की तुम्हारे इलेक्ट्रिक ड्रीम्स पूरे हो जाए है ना हाँ बिल्कुल ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट उत्तर प्रदेश किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल्स में फोर्टी नाइनवे ओवर में विश्व रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड सात छक्के जड़े यार ये हिंदी तो एकदम बढ़िया एकदम शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखता है जड़े वाह बहुत बढ़िया बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कौन सा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सेवन सिक्सेस मारकर आंसर होगा रुतु क्लियर वेरी गुड चलो तो ये आपका कंप्लीट हो गया अब आप कहीं जाइएगा मत अभी और क्वेश्चन है बस आ, एक स्लाइड्स और है उसके बाद हम एंड करेंगे सेशन को ठीक है चलो वीकली करंट अफेयर्स है ना ये नेक्स्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई हैज अप्रूव्ड विच एनिमल एज अ फूड एनिमल रिसेंटली भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है ऐसा ना बोलो छोड़ कर जाएंगे हां वो जब एक बच्चा बोल रहा मैम हम छोड़ के जा रहे हैं तो मैं बोलूंगी हमें जो छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे है ना आंसर यहां पर क्या होगा आंसर विल बी बी दैट इज हिमालयन याक वेरी गुड उंदा उंदा परफॉर्मेंस आंसर होगा हिमालयन याक नेक्स्ट क्वेश्चन

Uh, क्या बोलते हैं उसे यू नो बिफोर योर नेम वेरी गुड पीडीएफ डी मिलेगा पीडीएफ मिलेगा जी ए वैशाली पांडे टेलीग्राम चैनल पर करेजिए सारे बोलो क्या बोलना है आज बोली दो आंसर विल बी ए दैट इज बैंगलुरु आंसर विल बी बैंगलुरु बेंगलुरु की बात करें तो बेटा बेंगलुरु में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है मुंबई में भी बहुत है बेंगलुरु में एक तो आपका इसरो है इसरो का फुल फॉर्म क्या है इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु को क्या बोला जाता है आईटी हब बोला जाता है आईटी हब ठीक है आईटी हब और क्या बोला जाता है स्पेस सिटी स्पेस सिटी आपके बेंगलुरु को बोलते हैं उसके बाद मुंबई की बात करेंगे मुंबई में किसका किसका हेडक्वार्टर है एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एच डी एफ सी बैंक एस बी आई बैंक आरबीआई बैंक ठीक है तो सबके हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा मुंबई में क्लियर सेबी का फुल फॉर्म रिपीट कर दीजिए सूरज बोल रहे हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का क्या है बेटा फुल फॉर्म है ठीक है हाँ टाइम पर देंगे बेटा टाइम पर देंगे मोनिका पक्का यार बेटा टाइम पर देंगे हाँ अनु बोलो बेटा क्या कहना है लाइक like, आप मेरे पास ही हो मैं आपसे मिलने आऊंगी एक बार क्या करेजे सारिया बोल रही हैं मैम आप जब पढ़ाते हो ना तो मैं फील करती हूँ क्लास में हूँ लाइक like, आप मेरे पास ही हो मैं आपसे मिलने आऊंगी एक दिन बिल्कुल आना सब लोग मिलने आएंगे मुझसे ठीक है यार बहुत सच में यार एक एक ना मीटअप रखते हैं जिसमें आ, मैं मैं एक जगह पे आ जाऊंगी और आप अगर आप आसपास के होगे तो आप सभी आ जाना मेरे से मिलने है ना मजा आएगा मतलब सीरियसली मैं बोल रही हूँ ठीक है आई वॉन्ट टू सी माई स्टूडेंट्स ऐसे पता नहीं चलता है ना बिल्कुल की आ, ऐसे बस नाम नाम जानते करे जे सारे और अभी हमारे सेशन ना बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ऐसे ज्वाइन किए हुए थे आई I मीन mean, मैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे हैं ठीक है ठीके? Uh, जो uh, सच में मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आई फील रियली ब्लेस्ड देखो पता है क्या ना एक सेशन 2000 हज़ार का ही आई uh, मीन I mean, बहुत जो सेशन जो था एक सेशन में आई थिंक व्यूज उसमें वन लाख अराउंड थे व्यूज़ मतलब आई कैन इमेजिन एक लाख से ज़्यादा बच्चे ने मुझे देखा है मुझे uh, सुना है एंड आई रियली वॉन्ट टू मीट दैम हमारे स्टूडेंट्स हैं एवरी वन एज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ठीक है तो आई वॉन्ट टू मीट दैम मैं सबसे मिलना चाहती हूँ है ना? हाँ, हाँ। मजा आती है यार मतलब मिलने का मन बहुत करता है मिलने का है ना बस वही है कि आप अभी सिलेक्शन ले लो यार तब आओ अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन में हम आपको बुलाएंगे और फिर हम यहाँ पे मिलेंगे मजा आएगा हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्डेड दी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे सम्मानित किया गया बताओ मैम ये कब से शुरू हुआ है रजा पूछ रहे हैं बेटा ये आठ बजे से शुरू हुआ है आठ बजे एट एम मेरी क्लास ना डेली मंडे टू सैटरडे होती है आठ बजे जी के करंट अफेयर्स की ज्वाइन कर लिया करो ठीक है मैम डू यू नो आई एम योर नेबर विशाल भट्ट हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता आंसर विल बी ई दैट इज अवनी लेखरा अवनी लेखरा कौन है शी वन द गोल्ड इन द टोक्यो पैरालंपिक्स शी वन गोल्ड इन टोक्यो पैरालंपिक्स पैरालंपिक्स में ठीक है शी वन गोल्ड इन दी टोक्यो पैरालंपिक्स जो कि कब हुआ था 2021 में हुआ था लेकिन टोक्यो पैरालंपिक्स आपका कौन सा पैरालंपिक्स था 202022 टोक्यो पैरालंपिक्स था जो कि पोस्टपोन हो गया था कोविड-19 की वजह से 2021 में हुआ था अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था इसमें ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट देखते हैं रेड प्लेनेट डे हम हर साल किस दिन मना किस दिन मनाते हैं व्हेन इज दी रेड प्लेनेट डे ऑब्जर्वड मोनिका कुमारी बोली मैम अडा 247 का हेड क्वार्टर पर है जहां पर मैं खड़ी हूं वही हेड है गुड़गांव गुरुग्राम गुरुग्राम पहले पहले गुरुग्राम का नाम क्या था गुड़गांव था लेकिन अब गुरुग्राम गुड़गांव गुरु का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया गुरु है गुरुग्राम है कहाँ पर हरियाणा में और हरियाणा कितनी दूर है दिल्ली आई I मीन mean, गुरुग्राम कितनी दूर है दिल्ली से बहुत दूर नहीं है आई I मीन mean, अगर मेट्रो से आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है hmm. इसका आंसर बताओ आंसर विल बी दैट इज ऑफ नवंबर को हम क्या मनाते हैं लाल ग्रह दिवस मनाते हैं नेक्स्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर इज कॉमीमोरेटेड ऑन डैश एवरी ईयर रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है बताओ हाँ करीजे सारे अग, बहुत बढ़िया मैम यू लिव इन हरियाणा गुरुग्राम यस विशाल यस बी आज मैम मैंने आज ही से ज्वाइन किया है क्या करूं आयुषी कसेरा मैम आर यू मैरिड सूरज बोल रहे हैं पहले आयुषी का आंसर देते हैं आयुषी बेटा आज ही से ज्वाइन किया है बहुत बढ़िया बात है आज ही से पढ़ाई करो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा टेंशन मत लो मैं हूं ना देयर और यहाँ पे कौन पूछ रहा था मैम आर यू मैरिड सूरज सूरज बोल रहे हैं मैम आर यू मैरिड क्यों मेरे लिए रिश्ता भिजवाओगे तुम अगर मान लो शादी नहीं हुई होगी तो क्या रिश्ता भिजवाओगे नहीं भिजवा दो यार बहुत जरूरत है आ रहा हूं मैं अच्छा नहीं नहीं रिश्ता भिजवा दो बिल्कुल देखेंगे तुम्हारा रिश्ता भी कैसा भिजवा दो अपनी मैम के लिए चलो इसका आंसर होगा ए दैट इज़ नवंबर थर्टी ठीक है नवंबर थर्टी डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर इज कॉमेमोरेटेड ऑन डैश एवरी ईयर तो आंसर विल बी नवंबर थर्टी अच्छा मोनिका सुमित बोल रहे मैम मेरा भी फर्स्ट डे है ऑल्स वेल well, बोल रहे हैं भजवार भजवाला हूं मैम बट चलो नेक्स्ट सेबी हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त की मंजूरी दी है बताओ नियुक्ति को मंजूरी दी है फटाफट से बताओ मैम मजा आ जाता है मेरा भी फर्स्ट डे है युवराज बोल रहे हैं सेशन में मंडे टू सैटरडे आठ बजे वो uh, मैं एक मुझे याद आ रहा है सॉरी टू इंटरप्ट इसका नाम क्या है सुंदर रामन uh, सुंदर रामन रामा मूर्ते ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेगा वॉट ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस और फाइव इन फाइनेंस ने डैश के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर या और संचालन that is FOO के आधार पर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेगा वॉट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है कौन सी स्कीम का नाम क्या है मुझे ना एक चीज याद आ रही है uh, कौन सी अच्छा ठीक है ऑल इज वेल बोल रहे हैं कैसे लड़का चाहिए मैम आपको बस तुम लोग जैसा uh, <laughs> हाँ तीन मंथ हो चुके आरती वेरी गुड देखो मैं बताती हूँ एक चीज़ तुमको आ, क्या बोल रहे थे हाँ वो आ, एक हमारे मोहल्ले में आते नहीं नान खटाई वाले नान खटाई बिस्किट हमारे शहर में भी आए हैं बूढ़े हो या बच्चे नान खटाई समथिंग ऐसे था नान खटाई खानी है Mm, मुझे रोज नान खटाई खाना है नान खटाई बिस्किट आपके शहर में भी आई है है ना वो जो नान खटाई वाला आता नहीं है शहर में मुझे वो याद आ, आ रहा था आंसर विल बी ई दैट इज शक्ति पॉलिसी आंसर विल बी शक्ति पॉलिसी क्लियर है हाँ

मैम यू आर लाइक नान खटाई बिस्किट इतना मारूंगी ना विशाल भट्ट पर इसे पेशेंस यू आर फनी मैम मैम नोट्स कहाँ मिलेगा सिक्स मंथ्स की करंट अफेयर्स और एट मंथ्स इज इम्पॉर्टेंट बेटा सिक्स मंथ्स करंट अफेयर्स इज मोर देन सफिशेंट मोर देन सफिशेंट ठीक है चलो आंसर यहाँ पर डी होगा दैट इज ईरानियन आंसर विल बी ईरानियन क्लियर हम लोग यहाँ बोले मैम पढ़ाने से ज्यादा मजा आ रहा है बेटा क्या है ना कि हम लोग मजा करके पढ़ाई करते हैं है ना हाँ मजे में मजे मजे में पढ़ाई कर लेते हैं पता नहीं चलता क्लास को है ना बताओ मजे मजे में पढ़ाई कर लेते हैं क्लास का पता ही नहीं चलता कब ओवर हो गई नेक्स्ट विस सिटी इज प्लानिंग टू इशू द देशन फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड टारगेटिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स विद प्रोसीड्स यूज्ड टू फंड अ सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा शहर देश की पहली स्थानीय सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है जो व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित कर रहा है जिसमें सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाएगा सो बताइए कौन सी सिटी है जो प्ला, प्लान कर रही है कि हम नेशन का फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड बनाएंगे जो यूज किया जाएगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए हम्म राहुल लेजेंड्स बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा है क्या करें हम मजा नहीं आ रहा तुमको तो आंसर विल बी बी दैट इज इंदौर मजा भी नहीं आ रहा है सेशन में भी जुड़े हो गजब चलो नेक्स्ट तो मजा के लिए हम क्या करें नाचे गाए घूमे फिरे नेक्स्ट

ंसर विल बी ई दैट इज गैस लाइटनिंग आंसर है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंडियन सिटीज टूड एट ट्वेंटी सेकेंड रैंक इन अ ग्लोबल इंडेक्स दैट मेजर्स एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक तो नाइट फ्रैंक के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रीमियम अवसायी संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि को मापने वाला वैश्विक सूचांक में बाईसवे स्थान पर है very good, very good बहुत, बढ़िया यार, बहुत दिल खुश कर दिया तुम लोग आंसर विल बी मुंबई बहुत बढ़िया यू ऑल आर गिविंग राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई उत्तराखंड गवर्नमेंट एज दी स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बताओ उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है आज का आज का था ये चर्चा का विषय ये क्वेश्चन था चर्चा का विषय बताओ पड़ गई शिवम को डांट बताओ इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल मैं किसी को इग्नोर कर रही हूं बेटा तुम्हारा सब कमेंट दिख रहा है कमेंट बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं ना तो इसी वजह से बताओ इसका आंसर क्या होगा चर्चा का विषय था ये आज का बताओ इसका आंसर होगा बी दैट इज प्रसून जोशी प्रसून जोशी प्रसून जोशी को बनाया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एज द स्टेट्स ब्रांड एंबेसडर नेक्स्ट हु हैज टूक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेकरेसी एज मेंबर ऑफ यूपीएससी यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है किसने ली बेटा बताओ यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है कि किस हाँ बहुत बढ़िया इसका आंसर होगा सी प्रीति सूदन ठीक है प्रीति सूदन ने लिया है बहुत बढ़िया पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेंशन मत लो। नेक्स्ट

सात सौ अठानबे किलोमीटर की यात्रा करके मनुष्य को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान के लिए एक नया अंतरिक्ष उड़ान रिकॉर्ड बनाया है सो आर्टेमिस वन मेशन को डैश द्वारा लॉन्च किया गया है मैम मेरा भी मैसेज देख लो ईशा केसरी ईशा के ईशा केसरी हाउ आर यू ईशा केसरी देख रही हूं मैं आंसर विल बी बी दैट इज नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा हैज वन इट्स फर्स्ट डेविस कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कनाडा ने यहां पर निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला डेविस कप किताब जीत लिया है हां मैम आई एम न्यू स्टूडेंट नितिन सिंह बोल रहे हैं मैम बताइए प्लीज आकांक्षा सिंह क्या पूछ रहे हो बेटा नितिन सिंह यू आर न्यू स्टूडेंट हाई वेलकम टू अडी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सभी कॉमेंट करके बताएंगे मैम आपको पता है आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरा पूरा दिन एकदम अच्छा जाता है अच्छा वेरी गुड चलिए सो गाइज वी हैव कम्पलीटेड द करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन दैट इज वीकली करंट अफेयर सेशन वी हैव कम्पलीटेड इट आई होप आपको बहुत मजा आया हो क्लास में और ऐप अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इस एप को डाउनलोड करके क्या मिलेगा आपको वेरी गुड कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैपेटा कैनबरा बहुत बढ़िया पवन बिल्कुल हिमांशु नवीन पवन आ, यादव ओके okay, दीपक शिवराज सिंह खुशवाहा जय हिंद एवरी वन जय हिंद एवरी वन जय हिंद

थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टूडे आई होप यू हैव लव सेशन है ना प्यार hmm. अच्छा लगा सेशन को आप इतना सारा प्यार दे दो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो एज यू ऑल नो कि हमारी डेल्टा बैच लॉन्च हो चुकी है डेल्टा बैच तो लॉन्च हुई है इसके अलावा हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं ध्यान से सुनो Hmm. देखो ध्यान से सुनना के जब आप, आप को डाउनलोड करोगे अपना लॉगिन वगैरह कर लेना उसके बाद आप जाना अंडर ग्रेजुएट पर पूछता है ना कि क्या लेना है इसमें से कौन सा लेना है अंडर ग्राड पे अंडर पे जाना उस पर सीयूटी क्लिक करना सीयूटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं देखो सी पर हमारी जो डेल्टा बैच लॉन्च हुई है वो अभी स्टार्ट uh, हो चुकी है बहुत सारी क्लासेस uh, इसमें नहीं हुई हैं अभी अभी ये स्टार्ट ही हुआ है सो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी आई थिंक टेन टू ट्वेल्व क्लासेस ओवर हो चुकी हैं इसमें सारे सारे सब्जेक्ट्स की ठीक है सो यू कैन गो एंड हैव दिस बैच ठीक है और जब uh, इस जब इस बैच इस बैच में आपको मिलेगा क्या ध्यान से सुना इस बैच में आपको क्या मिलेगा यू विल यू विल बी गेटिंग दी यू नो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स रिविजन के लिए हर एक चीज मिलने वाला है यहाँ पर आपको मुझसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा यहाँ पर ठीक है तो ये सारा चीजें एकदम एग्जाम के पैटर्न पर आपको यहाँ पर करवाया जाएगा सारे डोमेन के लिए वेदर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी डोमेन के लिए यहाँ पर आपको ये बैच हमारी लॉन्च हो चुकी है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप पर स्टोर पर जाके आप इसको परचेस कर लेना ठीक है और सारे डोमेन की है यहाँ पर और यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी मिलेगा आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट भी मिलने वाला है और आपका डोमेन का सब्जेक्ट जो है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आ, अच्छा, ये कोर्स की प्राइस इसमें दी है लेकिन क्या करना है आपको मेरा कोड यूज करना है एंटर दी कूपन कोड करके आता है ऑफर अवेलेबल में तो वहां पर कोड यूज करना है क्या वहां पे कोड यूज करना है वाई फोर फाइव फाइव ठीक है और अप्लाई कर देना है वाई 44 अप्लाई करने के बाद ये आपका प्राइस पड़ जाएगा 4979 में तो ये 6000 का था लेकिन अब ये 1019 ₹1019.83 आपका यहाँ पे ऑफ हुआ है प्लस आपका वहाँ पे यूज कॉइंस पे क्लिक कर देना ठीक है यूज कॉइंस पे क्लिक कर देना वहाँ पर तो और कम हो जाएगा पैसा ठीक है तो आपका ये आपका ये आपको कैसे मिलेगा कोर्स ड को यूज करने पर Y455 फोर फाग फाग इस कोड को यूज करने के बाद आपको इस कोर्स पर ना मैक्सिमम डिस्काउंट मिलके ये सिक्स थाउजेंड का था ये फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवनटी नाइन में पूरा कोर्स सी यू टी का पूरा कोर्स आपका यहाँ पे पड़ जाएगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को है कि मैम हमको ना सिर्फ वो लेना है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का तो सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारा जो कोर्स है आप जब इस कोर्स पे क्लिक करोगे सेम चीज आपको मिलने वाली लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ पे मिलेगा अगेन यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड दिस वाई फोर फाइव फाइव और अप्लाई कर देना अप्लाई करने के बाद ये थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी नाइन का जो कोर्स है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन का ये आपको कितने में पड़ जाएगा फोर्थ टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड देखो ध्यान से सुनना 2904 में यहां पर पड़ जाएगा क्लियर बात है हाँ, तो 2900 में आपको पढ़ जाएगा सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का ये कोर्स है। उसके साथ ही साथ हमारे पास ये तो लाइव कोर्सेज हैं। यहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ नोट्स, रिविजन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है उसके साथ ही साथ यहां पर आप क्या करना यहां पर एक चीज और है ठीक है एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी हाँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है सी आ, अगर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है तो यूजी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सी यू टी जनरल टेस्ट ट्वेंटी मॉक टेस्ट यहाँ पर है ठीक है फाइव हंड्रेड नाइनटी नाइन में फिर अगेन आप यहाँ पे जब मेरा कोड यूज करोगे इसका पैसा रिड्यूस हो जाएगा ठीक है इसका पैसा रिड्यूस हो जाएगा मेरा कोड क्या है नोट कर लो वाई फोर फाइव फाइव वाई फोर फाइव फाइव अप्लाई कर दो फिर फोर हंड्रेड नाइन्टी सेवन रुपीज में आपका ये पड़ जाएगा फोर हंड्रेड नाइनटी सेवन स्कोर्ड को यूज करने के बाद इस कोड को यूज करने के बाद ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये आपका 599 में था, ये आपका आपका में में था पड़ जाएगा ठीक है तो ये आपका मॉक टेस्ट है साथ ही साथ हमारे ई e बुक्स भी हैं राइट ये हमारे सारे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट हैं राइट इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी मॉक टेस्ट इंग्लिश मॉक टेस्ट सब कुछ फिर यहाँ पे जनरल टेस्ट की ई e बुक्स भी गिवन है इंग्लिश लैंग्वेज की भी गिवन है इसके अलावा हमारे हमारा जो आ, जो डोमेन वाला भी है डोमेन के भी हमारी मॉक टेस्ट और ई बुक्स वगैरह सब कुछ गिवन है बस आपको क्या करना है आपको बस ना आपको बस क्या करना है आपको कोड यूज करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे कोर्सेज कोर्स पे ठीक है और वो कोर्स क्या है वो कोड क्या है वाई फोर फाइव फाइव ये वो कूपन कोड है जो आपको यूज करना है आपस में ही लड़ रहे हो बेटा संडे को सेशन नहीं होता आपके स्पेशल सेशंस होते हैं संडे को अगर होने होते हैं तो ठीक है बाकी मंडे टू सैटरडे आपका क्लास होता है क्लियर चलिए सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड दी वीकली करंट एमसीक्यू सेशन आई होप आपको बहुत मजा आया वो क्लास में और फटाफट से एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं हम मंडे को मंडे को मिलेंगे सुबह आठ बजे अपने नए दिन के करंट अफेयर सेशन के साथ अनटिल देन स्टे ब्लेस्ड थैंक यू सो मच लव यू ऑल जय हिंद